Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I'm Suman. हमारे 999 के पैकेज के ऊपर बहुत सारे लोग उस वेबसाइट पर गए थे, जितना हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे ज़्यादा गए थे एंड वो वेबसाइट क्रैश हो गई थी। विद इन 48 आवर्स हम लोगों ने उसको पूरा ठीक कराया विद द हेल्प ऑफ डेवलपर्स एंड नाउ वो बिल्कुल लाइव है एंड उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट, वो जो लिंक है वेबसाइट का जहाँ पे ये पैकेज अवेलेबल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। DMs में हम वॉइस नोट पे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की। कल मैं गई थी सब्जी मंडी आफ्टर माय जिम एंड वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी वेंडर्स की सब्जियाँ आई हुई हैं। पालक, बथुआ, साग, आंवला, मेथी, बहुत, और आंवले तो इतने मोटे मोटे और अच्छे आए हुए हैं कि मज़े ही आ गए देखकर। और सर्दियों के मटर और गोभी, वाव। एंड उन सारी सब्जियों को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हम अब थोड़ा सा ना डाइट चेंज करते हैं, कुछ न्यू रेसिपीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पेशली मेड फॉर विंटर्स हैं। सीज़न की सब्जियां खाने का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होता है, आपकी बॉडी रिकवरी बहुत जल्दी करती है, आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है एंड लीफी वेजिटेबल से तो आपके आयरन के लेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे बढ़ते हैं, फाइबर बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता एंड स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है। जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स हैं, इतने विटामिंस एंड मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं कि जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक रेट अच्छी रखती है और साथ साथ इम्यूनिटी भी बिल्ड करती है। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ कुछ न्यू रेसिपीज़ रिलेटेड टू वेट लॉस और इतनी यम्मी रेसिपीज़ हैं, आप इनको डिटॉक्स डे के अंदर एज अ सैलड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लंच एंड डिनर में ऐड कर सकते हैं और ये इतनी स्वाद है, इतनी स्वाद है आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप डाइट पे हो। ये रेसिपीज कैसी हैं और कैसे बनाना है, चलते हैं किचन में। ओके, सबसे पहले हम बना रहे हैं पालक कड़ी। ना कौन सी वाली कड़ी, कड़ी हम बना रहे हैं लस्सी वाली जो कि बहुत शौक से हम सब खाते हैं एंड सर्दियों की पालक आते ही मेरा मन करता है कि मैं लस्सी वाली कड़ी डेली खा सकती हूँ। बट थर्सडे के दिन हम कड़ी डेफिनेटली बनाते हैं क्योंकि थर्सडे होता है विष्णु भगवान जी का डे एंड विष्णु भगवान जी का डे का कलर कौन सा है, येलो। सो हम लोग तो एवरी थर्सडे पालक कड़ी बनाते ही बनाते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास मुट्ठी भर पालक है, इसको मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है। मैंने लिया यहाँ पे एक कटोरा, इसके अंदर मैं डालूँगी मेरे एक चम्मच, क्योंकि मैं एक ही बंदे के लिए बना रही हूँ, अभी 1.5 चम्मच जितना बेसन। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी पहले पानी, उसको मैं करूंगी बहुत अच्छे से मिक्स, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मेरे पास है घर की जमी हुई ताज़ी दही। हम डेली घर पे दही जमाते हैं और बहुत अच्छे से जमाते हैं। ये रहे हमारे 2 चम्मच जितने दही, दही मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रही, जस्ट 2 स्पून। एक मिक्सचर मेरा तैयार है, इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा और। ये आपने अपने अंदाजे से पानी का मिक्सचर रखना है, आपको थिक पसंद है, आपको गाढ़ी कड़ी पसंद है, इट्स अप टू यू। और मेक श्योर कि इसमें गांठें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जैसे ये निकली है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा पिंच ऑफ अजवाइन, हल्का सा नमक एज पर टेस्ट, हल्का सा हिंग पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इन सबको मिक्स कर दिया है मैंने। ओके, ये रहा हमारे पास बाउल, इसके अंदर मैं डाल दी थोड़ा सा मेरा सरसों का तेल, इसको हम गरम होने देंगे अच्छे से। हल्का से जैसे ही ये गरम हो रहा है इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे चॉप किए हुए प्याज। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी मिक्सचर, इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी चॉपकी हुई पालक, इसको करेंगे हम अच्छे से, अब हम इसको कुक करेंगे फॉर एटलीस्ट, देखो टपी कितना शोर मचाता है ना मेरा, फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए सिम आंच पर, जब तक ये बहुत अच्छे से कुक होके इसका कलर ना आ जाए, और इसको बीच बीच में हम इस तरीके से हिलाते रहेंगे। सो अब इसको हम कुक होने देते हैं। ये रही हमारी कड़ी, इसको ऑलमोस्ट 11 मिनट हो गए हैं, अब हम 4 मिनट इसको और पकाएंगे
और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी, सोचो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये रेसिपी स्पेशली पीसीओडी पेशेंट भी ले सकते हैं हमारे। सो हैवी बोल, हाँ गरम गरम करी, आप इसको ब्राउन राइस के साथ ले सकते हैं, आप इसको वाइट राइस के साथ ले सकते हैं, या फिर आप इसको मिलेट्स के साथ ले सकते हैं, किनुआ के साथ ले सकते हैं। बट अगर आप वेट लॉस करनी पे हैं देन आप इसको एज अ सूप पियेंगे और इसको एज इट इज लेंगे। एंड स्पेशली मेरे क्लाइंट्स जो कि इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपकी डाइट में आएगी, डेफिनेटली बोलेंगे इसको रोटी के साथ ले लें, आपको इसको एज इट इज लेना है। टिल द टाइम मैं ना लिख कर दूँ आपको। सर्दियाँ आ गई हैं और आंवले की रेसिपी हम यूज़ ना करें, सो अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड रेसिपी की, जिसमें हम बनाएंगे आंवले वाली दाल। ये रेसिपी उनके लिए बहुत अच्छी है जिनका स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क है, या फिर जिनका हेयर लॉस बहुत मैसिव हो रहा है, या फिर जिनको लाइक विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने साथ, उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत बहुत कमाल का काम करेगी। एंड ये रेसिपी इतनी चटपटी बनेगी, इतनी ज़्यादा चटपटी बननी है, मज़ा आ जाएगा खा के। सो सबसे पहले हम आंवला छीलेंगे, आंवले को कट करेंगे अच्छे से अलग अलग पीसेस में। ओ माय गॉड, संजना मेरे को चाहिए संजना की हेल्प। संजना इसको छीलना यार, मेरे नेल्स कट जाएंगे। तो संजना हमको आंवले छील के देगी। छीलने के तरीके देखो, आह लड़की। इस रेसिपी के लिए क्या चाहिए, 3 से 4 आंवले लिए हैं एज पर योर टेस्ट। मैंने 4 आंवले लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास है कटा हुआ प्याज, एंड यहाँ पे मेरे पास है 4 चम्मच येलो मूंगे की दाल सोप करी हुई आधे घंटे पहले। आप इसको बिना सोप भी करे ले सकते हैं। अब हम बनाते हैं हमारी आंवले वाली दाल। ओके, यहाँ पे जैसे ही मेरा सरसों का तेल कुकर में गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं डाल रही मेरा जीरा। पॉप 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 पॉप, लचक गया हमारा जीरा। अब मैं डाल रही मेरे प्याज, बहुत अच्छी खुशबू आती है प्याज और जीरे की। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूँ मेरे आंवले। ओके नेक्स्ट इसके अंदर मैंने डाला 1 गिलास जितना पानी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मेरी दाल जो हमने सोख करके रखी थी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे थोड़ा सा हल्का सा नमक एंड हल्दी पाउडर एंड पिंच ऑफ हिंग पाउडर है ये। अच्छे से इसको मिक्स करा और अब हम इसे विसल लगवाएंगे 3, एक तेज आंच पे और 2 सिम आंच पे। हियर वी गो, हमारा आंवला एंड हमारी दाल की जो सैलेड है बिल्कुल रेडी हो गई है। और इतनी अच्छी खुशबू आ गई है पूरी किचन में, इतनी स्वाद बनी है ये और इतनी चटपटी, मूड फ्रेश कर देगी आपका। ओके, सो ये रही नेक्स्ट रेसिपी हमारी, चना मेथी रेसिपी। नाउ मेथी ये जो मार्केट में आ रही है, ये इस समय आ रही है छोटी, अगर आप देखो तो। आने वाले टाइम में लाइक 1 हफ्ते के बाद ये बहुत मोटी लीफी वेजिटेबल्स आएगी, लाइक बहुत ज़्यादा मोटी मोटी वेजिटेबल आ जाएगी ये मेथी के, ना मोटे मोटे पत्ते आ जाएंगे। सो अभी के लिए हम छोटी वाली मेथी के उससे गुजारा करते हैं और बनाते हैं हमारी चना मेथी की रेसिपी। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ मेरा सरसों का तेल। पैन मेरा बहुत ज़्यादा गर्म है इस समय, हाँ पूरा गर्म है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे कटे हुए प्याज। ओके नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मेरी मेथी, मुट्ठी भर मेथी मैंने इसमें डाल दी है। ओके, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब मेथी जितनी दिख रही है ना, ये पानी छोड़ देगी और बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में निकलेगी, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि जल्दी कुक हो जाए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिक्स 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 मिक्स। देखा, हो गई ना थोड़ी सी। अब इसके अंदर हम डालेंगे इस
के साथ एक कटोरी मेरा उबला हुआ ब्लैक चना, करेंगे इसको हम मिक्स अच्छे से और इसको अब हम कवर कर देंगे और पकने देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए सिम आंच पर। ओके, ये बन गया हमारा मेथी चना। क्या खुशबू आ रही है, और अब हम इसे सर्व करेंगे। ओके, हैवी गुड, रेसिपी इज रेडी। हम बना रहे जा रहे हैं मटर गोभी एंड पनीर की सैलेड। ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, इसको गरम होने देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी, देखा पैन पहले से ही गरम था मेरा, थोड़ा सा तेज कर देते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ मेरा जीरा। जैसे ही मेरा जीरा चटक गया, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे प्याज। इसके अंदर मैंने डाला हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा हींग। इसे मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी मुट्ठी भर जितना मटर, क्योंकि एक ही बंदे ने खाना है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी आधी गोभी वॉश करी हुई अच्छे से। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा एक टमाटर। और अब सिम आंच पे हम इसे पकने देंगे कम से कम ना मात्र करके 5 मिनट के लिए, बहुत ही सिम आंच पर। वेजिटेबल्स पक चुकी है हमारी सारी। इसके अंदर हम डालेंगे 50 grams ऑफ पनीर। ये मेरा होममेड पनीर है फुल फैट मिल्क का। आप टोफू यूज़ कर सकते हो, आप इसकी जगह बॉयल्ड एग्स वाइट यूज़ कर सकते हो, 200 grams ऑफ बॉयल्ड चिकन यूज़ कर सकते हो, अप टू यू। एंड दिस इज रेडी। सो दिस बाउल इज रेडी, वेलकम बैक जी। एंड देर इज़ अ लॉट्स ऑफ कमेंट रिलेटेड टू वेट लॉस डाइट कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मेरा वेट जो शेड हो रहा है, मेरा फेस जो है वो श्रिंक हो रहा है। मेरे लास्ट कुछ वीडियोज़ में मेरा फेस बलून की तरह था, क्योंकि तब मेरी बहुत ज़्यादा आउटिंग हो रही थी एंड ईटिंग हो रही थी एंड ट्रैवल हो रहा था। नाउ आई स्टॉप एवरी थिंग एंड फोकस ऑन माई सेल्फ कि नहीं यार मुझे ठीक करना है। तो मेरे को ऐसी फीलिंग है, द मोमेंट मैंने अपने पर ध्यान देना चालू करा और मैंने खुद के सेल्फ लव पर दोबारा आई, तो मेरा एकदम से वेट शेड हो गया। मतलब विद इन अ डे एंड टू मैंने 2 किलो गिरा है। वो सब स्वेलिंग था, ब्लोटिंग था एंड वो सब वाटर रिटेंशन था। सो या अब मैं संडे को लेके आऊँगी आपके लिए व्हाट आई ईट इन अ डे, कुछ स्पेसिफिक डिटॉक्स की चीज़ें जो कि मैं कंटिन्यू ऐड कर रही हूँ अपनी डाइट के अंदर। सो या आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड थैंक यू सो सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ सपोर्ट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड टू बी ऑनेस्ट आई कांट इवन थैंक यू इनफ। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये 999 वाला इतना ह्यूज क्रैक करेगा। एंड सेम उस वेबसाइट के ऊपर हम लेके आ रहे हैं अपनी नवरात्रि का प्लान। नवरात्रि का मैं एक डिफरेंट प्लान ला रही हूँ, डिटॉक्स प्लान। सो वो हार्डकोर डिटॉक्स है 9 days का, उसमें जूसेस बहुत सारे एडेड हैं। एंड वो हम 999 का यहीं पे लेके आएंगे, दिस वेबसाइट पे ही, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो आ जाएगा बाय ट्यूसडे नेक्स्ट वीक। सो या दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून, बाय बाय।